सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो पोकेमोन एनिमे टीनेजर्स के लिए है, बट इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी डार्क हैं, या फिर पोकेमोन में काफी सारी मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स हैं। और आज हम ऐसे ही टॉप 10 पोकेमोन के डार्क सीक्रेट्स को देखने वाले हैं, जो कि शायद से आपको नहीं पता होंगे। तो हाँ, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर वन के साथ। नंबर वन, पोकेमोन वर्ल्ड में अभी तक 1000 से भी ज्यादा पोकेमोन को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। हर एक पोकेमोन अपने आप में काफी अच्छी डिजाइन रखता है, पर क्या आप लोगों ने कभी किसी पोकेमोन को बिना फर के इमेजिन किया है? अगर नहीं किया तो ये रहे कुछ पोकेमोन बिना फर के। सबसे पहले है आर्कनाइन, बायलोस्वाइन, बियरटिक, डेलफॉक्स और शिफ्टरी। ये सारे के सारे काफी ज्यादा वियर्ड लग रहे हैं। और क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि स्कॉटल बिना अपने शेल के और बल्बस और अपने फ्लावर के बिना कैसा दिखेगा? तो स्कॉटल और बल्बस और कुछ इस तरह के दिखेंगे। तो हाँ यार, पोकेमोन अपने फर के बिना काफी ज्यादा वियर्ड दिखते हैं। नंबर टू, बीवियर पोकेमोन। ये एक नॉर्मल और फाइटिंग टाइप का पोकेमोन है, जेन 7 अलोला रीजन से। देखने में ये काफी क्यूट और स्ट्रॉन्ग पोकेमोन लगता है, बट इसकी पॉकेटेक्स एंट्री कुछ और ही बताती है। बीवियर के पॉकेटेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि अलोला रीजन के लोग बीवियर को वहाँ का सबसे डेंजरस पोकेमोन मानते हैं, और इसको देखते ही वो काफी फास्ट भागते हैं। ये पोकेमोन अपने ट्रेनर को काफी ज्यादा पसंद करता है, जिसके लिए बीवियर पोकेमोन अपने ट्रेनर और फ्रेंड्स को काफी बार गले भी लगा लेता है, जो कि काफी डेंजरस होता है, क्योंकि बीवियर पोकेमोन गले मिलने के बाद काफी ज्यादा फोर्स लगाता है, जिससे इजिली इंसानों की हड्डी टूट सकती है। कुछ लोग तो इसके हक करने के वजह से मर भी चुके हैं। तो हाँ यार, बीवियर पोकेमोन की पोकेडेक्स एंट्री काफी ज्यादा डार्क है। नंबर थ्री, जेसी और जेम्स। वेल, अगर मैं आपको जेसी और जेम्स की एज पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली 20+, बट पोकेमोन गेम्स में जेसी और जेम्स को एश की एज का बताया जाता है, यानी कि 10 साल, जो कि देखने में नहीं लगता है, बट इसको पोकेमोन एनिमे के अंदर फिक्स किया गया था, जहां पर पोकेमोन मूवी 2000 में ऐसा बताया गया था कि जेसी और जेम्स 25 साल के हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, बट पोकेमोन गेम्स के अंदर इनकी उम्र 10 साल होना काफी ज्यादा वियर्ड है। नंबर फोर, पोशन। ये पोकेमोन वर्ल्ड की मेडिसिन है। एनिमे के अंदर अगर किसी पोकेमोन को चोट लग जाती है तो इसको यूज किया जाता है, ताकि उसको ठीक किया जाए। वहीं पर गेम्स के अंदर इसको पोकेमोन की हेल्थ इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। पोकेमोन गेम्स में काफी सारे तरह के पोशन है, जैसे कि नॉर्मल पोशन, हाइपर पोशन, मैक्स पोशन और फुल रिस्टोर। इनमें नॉर्मल पोशन 30 HP हील करता है और सुपर पोशन सिर्फ 50 HP हील करता है। वहीं पर इसके कंपैरिजन में एक फ्रेश वाटर 50 HP हील करता है और एक लेमोनेड 80 HP हील करता है, जो कि सुपर पोशन से कहीं ज्यादा है। जबकि फ्रेश वाटर और लेमोनेड हमें काफी इजीली मिल जाता है, वहीं पर सुपर पोशन और पोशन को आर्टिफिशियली बनाया जाता है पोकेमोन की हेल्थ बढ़ाने के लिए। तो ये काफी ज्यादा इलॉजिकल है कि एक सुपर पोशन और पोशन एक फ्रेश वाटर और लेमोनेड से कम HP हील करते हैं पोकेमोन की। नंबर फाइव, टेलो। टेलो एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप की रीजनल बर्ड पोकेमोन है, जेन 3 होइन रीजन से। ये एक 2-स्टेज पोकेमोन है, जो कि लेवल 22 पर स्वेलो में इवॉल्व हो जाती है। वेल, रिसेंटली हमें जनरेशन 9 यानी कि पार्डिया रीजन में टेलो से काफी सिमिलर पोकेमोन देखने को मिला, जो कि था वॉल्ट्रेल। ये एक इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, जनरेशन 9 पार्डिया रीजन से। ये भी एक 2-स्टेज पोकेमोन है, जो कि लेवल 25 पर जाकर इवॉल्व हो जाता है किलो वॉल्ट्रेल पोकेमोन में। देखने में वॉल्ट्रेल टेलो का रीजनल फॉर्म लग रहा है और किलो वॉल्ट्रेल स्वेलो का, बट इसके बाद भी दोनों एवोल्यूशन लाइन अलग अलग है। इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों पोकेमोन को एक दूसरे का रीजनल फॉर्म होना चाहिए था, बट स्टिल ये दोनों अलग अलग पोकेमोन्स हैं। नंबर सिक्स, पोकेमोन ब्रीडिंग। ये एक मेथड है जहाँ पर दो पोकेमोन एक दूसरे के साथ ब्रीड करते हैं और एक नया पोकेमोन फॉर्म होता है एक अंडे के थ्रू। बट क्या आपको पता है, एक वेलॉर्ड और एक स्किटी दोनों ब्रीड कर सकते हैं, जबकि स्किटी सिर्फ 61 सेंटीमीटर की है, वहीं पर वेलॉर्ड 14.5 मीटर्स का है, जो कि काफी लॉजिकल है। बट इससे भी ज्यादा वियर्ड ये है कि नीडो किंग और नीडो क्वीन पोकेमोन एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकते, जबकि ये दोनों एक दूसरे के जेंडर काउंटर पार्ट पोकेमोन से। नीडो क्वीन फीमेल है, वहीं पर नीडो किंग मेल है। ये दोनों ही पोकेमोन हमेशा साथ में पाए जाते हैं। तो हाँ, ये काफी वियर्ड है कि एक वेलॉर्ड और स्किटी ब्रीड कर सकते हैं, पर नीडो किंग और नीडो क्वीन नहीं कर सकते, जो कि एक दूसरे के पार्टनर पोकेमोन्स हैं। नंबर 7, ऑफिसर जेनी और नर्स जॉय मिस्ट्री। ये काफी ज्यादा ओल्ड मिस्ट्री है। वेल, इस मिस्ट्री को 1997 यानी कि जब पोकेमोन स्टार्ट हुआ था तभी सॉल्व कर दिया गया था, जहां पर पोकेमोन के चीफ राइटर ताकेशी शुडो ने एक बुक लिखी थी, जो कि थी पॉकेट मॉन्स्टर एनिमेशन। इसके दो वॉल्यूम थे। यहां पर क्लियर किया गया था कि पोकेमोन वर्ल्ड में हर एक मेल एक पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता है, कोई भी पुलिस या फिर नर्स की जॉब नहीं करना चाहता, इसीलिए पोकेमोन वर्ल्ड में सारे के सारे पुलिस या फिर नर्स फीमेल है। और आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि सारे के सारे पुलिस ऑफिसर जेनी ही क्यों होते हैं और ये सेम क्यों दिखते हैं। वेल, इसके पीछे कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि ये इनकी फैमिली जॉब है। जो भी इनके फैमिली में पैदा होता है वो आगे जाके पुलिस ही बनता है। इनके पूर्वज भी पुलिस ही थे। इवन हमें पोकेमोन एनिमे के अंदर नर्स जॉय की एक छोटी सिस्टर भी देखने को मिली थी, जो कि बिल्कुल नर्स जॉय की तरह दिख रही थी।
नंबर 8, तो ऐश बिलोंग करता है कैंटो रीजन के पैलेट टाउन से, बट क्या आपको पता है पैलेट टाउन का नाम कैसे रखा गया था? वेल, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वेल, पैलेट टाउन का नाम पहले कुछ और हुआ करता था, और यहाँ पर एक मैगजीन आती थी जहाँ पर हमेशा टॉप 10,000 ट्रेनर्स की लिस्ट होती थी, पर कभी भी कोई ट्रेनर पैलेट टाउन से इस लिस्ट में ज्यादा आगे नहीं गया था। यानी कि पैलेट टाउन में काफी वीक ट्रेनर्स हुआ करते थे, पर 100 साल बाद फाइनली इस लिस्ट में काफी ऊपर एक पैलेट टाउन का ट्रेनर आया, जो कि थे पैलेटोक। इस मैगजीन में इनकी रैंक 931 थी, जो कि उस टाइम पे पैलेट टाउन में हाईएस्ट थी। इससे ज्यादा रैंक पैलेट टाउन में आज तक कोई भी नहीं ला पाया था, इसलिए पैलेट टाउन के लोग पैलेटोक को काफी ज्यादा पसंद करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने टाउन का नाम बदल के ही पैलेट टाउन रख दिया, तो यहीं से पैलेट टाउन का नाम रखा गया था। नंबर 9, तो पॉकेट मॉन्स्टर एनिमेशन में एक काफी अजीब सा रूल बताया गया था जिम लीडर्स के बारे में, जो कि ये था कि अगर कोई जिम लीडर 3 बार लगातार हार जाता है तो वो अपने जिम लीडर के पोस्ट से हट जाता था, और वो दोबारा जिम लीडर नहीं बन पाता एंड उसके जगह पर कोई और जिम लीडर आकर उस जिम को संभालता, जो कि एक सही रूल था क्योंकि जिम लीडर्स को ऑब्वियसली स्ट्रांग होना ही चाहिए। पर ये रूल जिम लीडर्स को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, जिसके चलते अगर कोई जिम लीडर हारने वाला होता था तो वो चीटिंग करने लगता था और चैलेंजर से काफी बेकार तरीके से बिहेव करता था, क्योंकि उनको जिम लीडर के पोस्ट से नहीं हटना था। इस चीज को देखते हुए इस रूल को हटा दिया गया। और फाइनली नंबर 10, तो हम सबको पता है कि पोकेमोन वर्ल्ड में किसी भी कैरेक्टर की एज नहीं बढ़ती। ऐश, मिस्टी, सरीना सब पोकेमोन एनिमे के स्टार्टिंग में 10 साल के थे और अभी भी 10 साल के हैं, बट पोकेमोन वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी पोकेमोन कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी एज बढ़ती है, जैसे कि ऐश की लैप्रेस, जो कि ऑरेंज आइलैंड में काफी छोटी थी, पर जब वो जोटो रीजन में रिटर्न आती है तो वो बड़ी हो चुकी थी। इसके अलावा पोकेमोन सन एंड मून या फिर अलोला रीजन में प्रोफेसर कुगोई का एक बेटा होने वाला था, जो कि उस टाइम नहीं हुआ था, बट अगले रीजन में ऐश पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 37 में अलोला रीजन जाता है, जहाँ पर हमें प्रोफेसर कुकुई का बेटा दिखाया जाता है। वो 1 साल का भी हो चुका था, यानी कि इसकी एज बड़ी थी, जबकि हमें पोकेमोन वर्ल्ड में किसी और पोकेमोन ट्रेनर या फिर कैरेक्टर की एज बढ़ते हुए नहीं दिखाई गई है। वेल, तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।